नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। तो जायके का सफर तय करते करते और चुनावी मिजाज को भांपते हम पहुंच गए हैं अब राजकोट। जी हाँ, काठियावाड़ में स्थित राजकोट दरअसल सूरत से 8 घंटे की दूरी पर है और ये सफर हमने तय किया सिर्फ आपको यहाँ का जायका दिखाने के लिए। और कैसा है यहाँ का चुनावी रंग ढंग ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं काठियावाड़ जायका। और काठियावाड़ जायका जाना जाता है घुघरे से, और घुघरा इसकी पहचान क्यों है ये हम यहाँ के ईश्वर भाई घुघरा वाला से जान ले देते हैं। 1978 से आपकी दुकान है? दुकान नहीं है, वो तो पहले थाला लेके जा रहे थे, थेला था आपका। अब ये क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को, ये घुघरा होता क्या है? घुघरा है वैसे, ये देखिए समोसे जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका शेप जो है वो काफी हद तक जो हमारी गुजिया गुजिया होती है उसके जैसे, समोसे से अलग। अंदर भरा क्या है? उसमें आलू मटर है। आलू मटर है। चटनी ये ले, ये गार्लिक और चिली की है। गार्लिक और ये स्वीट है। थर्टी फाइव। दिन भर में कितने घुघरे बेच लेते हैं वो तो मालूम नहीं है। बहुत अच्छा आइटम है, और भी लोगों से जानते हैं क्यों यहाँ घुघरा खाने आए। आपको यही क्यों घुघरा पसंद है? यस। क्यों, क्या बढ़िया लगता है उसका टेस्ट ही अलग है पूरा। क्या होता है इसमें एक बार फिर से बताइए, हम लोग तो समोसा जानते हैं। ये आलू का चाट टाइप का ही रहता है, चाट है। यस। ऐसे एक बार बताइए, चुनाव आ रहे हैं अब, आप वोट भी करने जाएंगे। यस। गुजरात में हमेशा एक ही तरह का मूड क्यों सेट रहता है, चाहे वो खाने का मामला हो, चाहे पार्टी का हो, चाहे नेता का हो, सब आदमी एक ही तरह का? और वो पहले से ऐसा ही है, रंगीला जो राजकोट बोलते है इसको, वो पहले से मूड सबका ऐसा ही रहता है पूरा। यस, पहले से सेट हो रखा है। चीज रहती है माइंड में, सबको एंजॉयमेंट मिलता है ना इस चीज में, घुघरे में या सब चीज में, वोट डालने में, सब चीज में वोट डालने में। वोट डालने में नहीं होता। आपके आप जिस एरिया से आते हैं वहाँ से कौन विधायक? वहाँ पे दर्शिता मेम शाह है, बीजेपी की। यस, बीजेपी से है। और इस बार तो और उनकी फोटो के साथ और भी लोगों के पोस्टर लगे होंगे। किसके किसके लगे? वो सब नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी। दूसरी पार्टी? दूसरी पार्टी के तो कांग्रेस के है, जो मनोज भाई है वो। वो वहाँ पर काम करते रहे हैं या उनका काम जो है कहीं ना कहीं? सब कोई दिखाई नहीं दे रहा है अभी, सब दिखाई दे रहे धीरे 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 से चुनाव। पूरे 5 साल दिखे ही नहीं वो। सब ऐसा ही है। राजकोट शहर में हम पले बड़े हैं, बचपन से ही। क्या 5 साल में राजकोट बदला है? हाँ बदला है ना। क्या क्या आया यहाँ? रोड, रास्ता देखो, बिजली देखो, पानी देखो, सब अच्छा ही है, ठीक ही है। और क्या अच्छा होना चाहिए यहाँ पे जो नहीं हो पा रहा है? और अभी जी एजुकेशन में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन में लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन भी? नहीं नहीं, प्राइमरी में तो बाद ग्रेजुएशन में। क्या क्या काम आपके? राजकोट कैसे बदला है, क्यों इम्प्रूव हुआ? पिछले 5-6 साल में बहुत सारे चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजी देख लो आप, स्टडीज देख लो, सब वगैरह रोड। आप अपने शहर से खुश है? हाँ डेफिनेटली। एक बात आपको बहुत दिलचस्प बताना चाहेंगे, राजकोट शहर के जो लोग हैं मुझे बताया गया सुबह जमकर काम करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर 2-3 घंटे आराम करते हैं, नींद लेते हैं, फिर वापस काम पर जाते हैं। नहीं, वो हमारे सौराष्ट्र का नियम है, सौराष्ट्र में ये है, मतलब सिर्फ राजकोट नहीं, इधर भावनगर आसपास के जामनगर। आराम, हाँ आराम मतलब आराम, आराम मतलब आराम, हाँ हाँ। और फिर उसके बाद आराम खत्म, उसके बाद फिर काम, फिर काम, फिर खाना, फिर खाना, खाना, काम, सोना, खाओ पियो और ओएस करो। वादी और पार्टीज भी कर रही हैं, वो भी कह रहे हैं हम ये ले आएंगे वो ले आएंगे। वादों से कुछ नहीं होता, वादों से कुछ नहीं होता। अब तक क्योंकि कई सालों से कांग्रेस थी ऊपर में, कुछ नहीं हुआ, मगर मोदी के आने का बहुत चेंजेस हुआ है। जैसे क्या चेंजेस आप देखते हैं? जैसे रोड, रास्ता देखो, बिजली पानी देखो, फैसिलिटी देखो, राजकोट बदला है। कितने साल से आप यहाँ? मैं 20 साल से। 20 साल से? 20 साल मतलब 4 सरकारें देखी आपने जी, चारों बीजेपी की थी जी। फिर भी यहाँ पर पोस्टर, नेता जितने भाषण हुए उनको देखकर लोग प्रभावित नहीं होते? सुनते ही नहीं, हम किसी का भाषण सुनते ही नहीं। टीवी पे तो देखते होंगे? हाँ, ऐसा कुछ सुनते ही नहीं, सुनते ही सिर्फ बीजेपी, सिर्फ मोदी और कुछ नहीं। एकदम आँख बंद करके जी डायरेक्ट वहीं जाना है, जैसे घुघरा पे आना है, कहीं और इधर दाएं बाएं नहीं होना नहीं। या ईश्वर भाई का घुघरा है वो पूरे सौराष्ट्र में फेमस है, कोई भी बाहर से आएगा और बोलेगा मेरे को घुघरा। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ ये नरेंद्र मोदी घुघरा फेमस है राजकोट में, जिससे भी पूछो वो कहता है कि नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी डेफिनेटली। बाकी ये जो सब चटनी इसमें डलती है, हाँ वैसे ही बहुत सारे लोग अब जो है अपने वादों के जरिए बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे,
इस तरीके से हम गुजरात में सुधार करेंगे, उनको भी तो अब सोच में लाना चाहिए ना, कुछ तो बदलाव हो, चेंजेस आए यहाँ पर। तो उसमें है, एक है गुजरात में अगर चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी, अगर बीजेपी आई तो नरेंद्र भाई मोदी है, उनका कुछ, उन्होंने भी कुछ ख्वाब देखे इंडिया के लिए, बराबर वो पूरे होंगे। अगर कोई दूसरी पार्टी है, कांग्रेस है या आप है, आपका तो कोई नामो निशान भी इतना है नहीं, लेकिन जो नामो निशान तो तभी होगा ना जब जनता पसंद करेगी, जनता वोट डालेगी, तब वो जैसे कह रहे हैं कि वो पंजाब में अपना काम दिखा रहे हैं, वहाँ पर बदल गई सरकार, ऐसे वो कह रहे हैं गुजरात में भी हम आएंगे तो यहाँ भी सूरत बदल देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, सब कुछ वैसे ही कर देंगे जैसे दिल्ली में करते आए, अच्छा काम फ्री में आगे एजुकेशन मॉडल भी लाने की बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन मॉडल लाने की, ये फ्री में देने की बात कर रहे हैं, लेकिन फ्री में कुछ नहीं चाहिए, आप जो देते हो उनका पैसा लो लेकिन सभी फैसिलिटीज दो, बराबर फ्री में देखे, ये क्या एक हम बेघर को क्या है, उनको फ्री में देते तो वो आगे नहीं बढ़ते हैं, बराबर आप पैसा लो, चलो पांच रुपए में कॉस्टिंग है, आप 3 रुपए में दो, तो 3 रुपए देंगे तो लोगों के कुछ तो चार्ज कर, फ्री की आदत नहीं हो जाएगी, लोग क्या है फ्री की आदत है ना, तो मैम यही नहीं होती, उसकी कद्र नहीं होती है, जो फ्री में मिलता है ना उसकी कद्र नहीं होती। तो गुजरात में जैसे बीजेपी के अलावा अलग अलग पार्टियों का फ्लेवर मिक्स हो गया है, वैसे गुजराती खाने में भी अब चाइनीज और साउथ इंडियन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अहमदाबाद के मानिक चौक, वडोदरा के रात्रि बाजार के बाद अब हम एजी चौक आए हैं, जो कि राजकोट में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, बहुत फेमस है, और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि दूर तक जहां भी नजर दौड़ाएगा वहां पर सिर्फ खाना ही खाना दिखाई दे रहा है। यहाँ की अच्छी मार्केट है जिसमें खाना खाने सब आता है। अच्छा क्या मिलता है यहाँ पे? ये पंजाबी है, सब कुछ पंजाबी है। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। मैम आप एजी मार्केट क्यों आती हैं खाना खाने? अच्छा लगता है। एजी चौक क्या अच्छा है यहाँ का, सबसे बेस्ट आइटम बताइए जो चाइनीज पंजाबी अच्छा है। चाइनीज पंजाबी सब फ्लेवर है, साउथ इंडियन सब, यहाँ तक कि पाव भाजी, बड़ा पाव, सब कुछ। राजकोट में और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? ना यहाँ तो सब ठीक है, बहुत भाजपा सरकार है, बहुत बढ़िया है गुजरात में। बाकी पार्टी तो आ रही है ना, पार्टी आ रही है, लेकिन ये क्या मान लो 95 से भाजपा ने बहुत डेवलप किया गुजरात को। सुविधा मिलती है राजकोट? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। क्या क्या चाहिए आपको राजकोट? पहले तो सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पहले सड़कें बनो फिर आगे के सोचते, क्योंकि फ्लाईओवर और ब्रिज की भी कमी है। हाँ नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोठरिया सोमनाथ में तो इतनी दिक्कत है कि चल ही नहीं पाते, नहीं चल पाते। इमिटेशन की ज्वेलरी बेचते थे तब से और अब में, राजकोट में क्या फर्क आया? फर्क तो है, इसमें पैसा मिलता है, उसमें मजदूरी नहीं मिलती थी इमीडिएट। राजकोट शहर में क्या फर्क देखते हैं आप? यहाँ पर सड़कें बेहतर हुई हैं, खराब हुई हैं? वही चल रहा है, पानी बिजली का अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, सड़कें नहीं अच्छी है। राजकोट के लोग नाश्ता क्या करते हैं, कहाँ से करते हैं अपनी दिन की शुरुआत? तो हमें ये पता लगा कि दाल पकवान से भी नाश्ते की शुरुआत होती है, तो हम आ गए हैं हरि कृष्णा जी की दाल पकवान की मशहूर दुकान पर, और इन्हीं से जान लेते हैं दरअसल दाल पकवान है क्या, क्या ये दाल पकवान होता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या क्या इसमें डलता है। क्या नाम है आपका? राजू भाई नाम है मेरा। राजू भाई, तो ये दाल पकवान कैसे बनता है, क्या क्या डालते हैं, शुरुआत से बताइएगा। सबसे पहले क्या लेते हैं इसमें? वो पकवान लेते हैं। पकवान में क्या क्या है? ये वो दाल है, प्याज है, दाना है, सिंग दाना मसाला वाला, दाल डाली और वो मीठी चटनी, और लीली चटनी, लीली चटनी हाँ, और लसन की चटनी, और सेव। दाल पकवान बन गया। तो कितने साल से ये आपकी दुकान है? 14 साल से। 24 चौदह 54 14 14 तीन तरह की चीजें देख ली आपने, दाल पकवान, भूंगरा, बटेटा और पोहा, और कैसे अलग अलग चटनी और सिंग दाना का मिश्रण ये होता है। आप पोहा खा रहे हैं, आप कहाँ से? यही राजकोट से? हाँ राजकोट से। ये यहाँ का मशहूर नाश्ता है पोहा और? हाँ मशहूर नाश्ता है। और ये दाल पकवान? दाल पकवान, पोहा और ये भूंगरा बटेटा। इनकी दुकान कितनी मशहूर है? बहुत मशहूर है, पूरे राजकोट में मशहूर है। हाँ नाश्ते की शुरुआत इसी के साथ? इसी के साथ सुबह सुबह नाश्ते की शुरुआत। यहाँ पर कितने साल से? क्या नाम है आपका? विपुल भाई क्या काम करते हैं आप? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। टेलरिंग का काम करते हैं, तो राजकोट में जहाँ रहते हैं आप हाँ, वहाँ उस जगह से संतुष्ट हैं, सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ बिजली पानी सड़क सब सही है, पूरा सही है, बिजली पानी सड़क। तो राजकोट के लोग किसी चीज की तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है। हाँ
तो उधर विधायक कौन है, किसको वोट डालते हैं आप वहाँ पे विधायक कौन? वो नहीं बताऊंगा, वोटिंग किसको देता हूँ वो नहीं बताऊंगा। ये आप दाल पकवान लेने आए, पोहा या फिर कुछ और? नहीं नहीं, दाल पकवान। दाल पकवान क्यों यहाँ का फेमस है? बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। और नाम क्या है आपका? मेरा नाम सारांश है। सारांश जी क्या काम करते हैं आप? मैं, मेरा कारखाना है इधर। किस चीज का? मैं कोटिंग करता हूँ। राजकोट में मुख्य प्रोफेशन क्या है, यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्या किस चीज का के लिए जाना जाता है? मतलब खाने की और धंधे के अलावा? खाने के अलावा यहाँ पे बहुत सारा है धंधा वंदा। वही धंधा मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्या है मेन धंधा? कास्टिंग। कास्टिंग तो उसके लिहाज से कोरोना के बाद अब सब ठीक हो गया है? सब हाँ, वो इतनी तेजी नहीं है मार्केट में जितनी पहले थी। जितनी पहले थी तो अभी मतलब वापस ट्रैक पर नहीं आया। आप जिस एरिया में रहते हैं, कौन सा एरिया आपका राजकोट? मैं मौड़ी में रहता हूँ। मौड़ी में तो वहाँ सब सड़क पानी बिजली सब चीज से संतुष्ट हैं? सैटिस्फाइड है? हाँ। ये आपको लगता है कि नहीं, हम वापिस से शादी में आए हैं, लेकिन ये वापिस से आए, लेकिन ये इतना फेमस है कि हम ये खाना है शादी का खाना छोड़ के यहाँ पर दाल पकवान चल रहा है, पूरी फीस चल रही है। एक बात बताइए, गुजरात में यंगस्टर्स के लिए एजुकेशन और रोजगार ये दुरुस्त है या फिर उसमें कुछ चेंज होना चाहिए? नहीं, अभी तो चेंज होने चाहिए, लेकिन अभी है वो भी सही है। आप रहते हैं वहाँ की बात कर लेते हैं, वापी में बराबर कंप्लीट सब वापी में? वहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रोजगार बराबर? हाँ, वहाँ इंडस्ट्री बहुत सारी है वापी में, इसलिए सब कंप्लीट। तो अलग शहर जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है? कोई और दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है एम्प्लॉयमेंट के लिए? वो तो स्टडी के हिसाब से, स्टडीज के हिसाब से। कौन सी स्टडीज वहाँ पर ज्यादा लोग करते हैं जिसमें उनको लगता है कि आगे उनको जॉब मिल जाएगा? इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियरिंग करते हैं। और कौन सी जगह, किस एरिया में नहीं जाते, उनको पता है कि आगे यहाँ जॉब नहीं लगने वाली है? गुजरात डॉक्टर फील्ड ऐसा कोई? डॉक्टर तो उसके लिए कहीं और जाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम वोटर्स है, सेकेंड टाइम है? सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम है। फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम में चॉइस बदली है या नहीं बदली? नहीं बदली, सेम टू सेम। तो ये हम माने कि युवाओं की पहली पसंद जो था वही है पिछली बार और इस बार में? वही रहेगा। वही रहेगा, आपको वही रहेगा? यस, वही रहेगा। आप भी स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं, जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? रिलायंस श्यामनगर। रिलायंस। और नाम क्या है आपका? सुमित। सुमित, आप भी सेकंड टाइम वोट हैं? थर्ड टाइम? नहीं, थर्ड टाइम। थर्ड टाइम। तो ये जो न्यू पार्टी है इनको क्यों नहीं मौका देते हैं यहाँ के लोग? और अगर इस बार अगर वो मौका आया है तो वो एज चॉइस एज ऑप्शन देख रहे हैं? नहीं, पहले जो पार्टी है मतलब एग्जिस्टिंग पहले वो अच्छा ही काम कर रही है, तो नया कुछ लाने का मतलब चेंज करने का कुछ मतलब नहीं है। ये हमने आपको दिखाया हरी कृष्णा दाल पकवान, राजकोट का मशहूर नाश्ता है, सिर्फ राजकोट नहीं आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर दाल पकवान खाने के लिए पहुँचते हैं, दिन की शुरुआत इससे करते हैं। लेकिन दरअसल राजकोट एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का रूटीन सेट है, लाइफस्टाइल सेट है, खाने में क्या खाएंगे वो प्रेफरेंस भी सेट है, और शायद किसको वोट करेंगे ये प्रेफरेंस भी लगभग अब तय हो चुकी है। 1 दिसंबर को यहाँ राजकोट में मतदान होना है। बताया गया कि यहाँ सुबह के वक्त लोग गर्मा गर्म खस्ता और कचौड़ी खाने आते हैं, तो इन्हीं के मालिक से जान लेते हैं। सर आपका स्वागत है आज तक पर, क्या नाम है आपका? नीलेश पटेल। नीलेश जी, क्या बिकता है आपके यहाँ सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पोहा, कचौरी, समोसा और जलेबी। जलेबी। और कौन से वक्त में सबसे ज्यादा सेल होती है आपकी? सबसे ज्यादा सेल मॉर्निंग में होती है, मॉर्निंग में होती है 7 to 12, 12, 12 बजे तक, 7 to 12 बजे तक। आज से 18 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब मैंने यही देखा था कि अधिकतर जो है गुजराती लोग सुबह तले हुए जो नाश्ते होते हैं उसी से उनकी शुरुआत होती थी, गाठिये फाफड़े और यही सब चलता था, और मैंने शुरुआत की एक छोटे से लेवल से, तो आज काफी अच्छा रिस्पांस है और गुजरातियों को। ज्यादातर मैं देख रही हूँ आपके यंगस्टर्स आते हैं, कॉलेज है क्या? कॉलेज है आसपास, 4-5 कॉलेज हैं। 4-5 कॉलेज। कितने साल पुरानी आपकी दुकान है? 18 साल। 18 साल जी। 18 साल में इस सड़क में आसपास के एरिया में कुछ बदला है? काफी कुछ बदलाव हुआ है, जो बिल्डिंग्स थी मल्टी स्टोरीज वो कम थी, पुराने बंगले टूट के अभी काफी बिल्डिंग्स बन चुकी है। काफी बिल्डिंग्स बन गई हैं। ये आप यहाँ पर क्या खाने आए हैं? हमने पवा और समोसा। पवा और समोसा, पवा क्या होता है? पवा होता है ना, पवा येलो। दिखाएंगे हमें एक बार क्या होता है? पवा बोल रहे हैं, गुजराती में पवा बोलते हैं, हिंदी में पवा। हम समझ नहीं पाए ना, कोई कोई बात तो इसलिए समझ नहीं आ रहा। ये
बताइए आपका घर आसपास है, आपका कॉलेज नहीं आसपास है? मैं साधु वासवानी रोड पे लेता हूँ, स्पेशल इनके पोहे खाने आता हूँ। सुनकर पीछे यहाँ देखिए, ये बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो श्री हरि जी क्या नाश्ते का मजा ले रहे हैं। कोई पोहा खा रहा है, कोई खस्ता, कोई समोसा। और हर बार तो दरअसल गुजरात में तस्वीर ये होती थी कि यहाँ पर एक ही तरीके की चुनाव की लहर बहती थी। इस बार वो लहर थोड़ा इधर उधर भी जा रही है, जैसे कि अब एंट्री हो गई है अरविंद केजरीवाल की, उधर कांग्रेस भी अपना जोर लगा रही है, खड़गे जी, गहलोत जी, हर कोई इस वक्त गुजरात में ही अपना पूरा का पूरा चुनावी परचम संभाले हुए है, चुनावी मोर्चे पर डटा हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई जिस तरीके से राजकोट के लोगों को या फिर समस्त गुजरात के लोगों को एक पार्टी या फिर एक चेहरे पर भरोसा रहा है या फिर भरोसा उनका कायम रहा है कई सालों से, वो भरोसा इस बार के चुनाव में भी कायम रहने वाला है, नहीं, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ नेहा बाल। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।